हेलो गाइस, वेलकम टू क्यूकी सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे टेक्निक्स पे चलते हैं। ये टेक्निक्स आ रही है पबजी लवर्स के लिए, और पबजी मोबाइल रिटर्न हो सकता है क्योंकि हमारे पबजी कोर जो है वो उनके ऑफिशियल साइट से ये पता लग रहा है कि वो टेंशन से नाटा टोट गए, और हमारे इंडियन कोई भी ब्रांड या कोई भी अनदर ब्रांड की तो आप लोगों को चाइनीज लोगों का डर नहीं रहेगा और हमारे पबजी बैन नहीं होगा ऐसा लग रहा है। तो वो बाद में पता चलेगा, देखते हैं। अगर अनबैन हुआ तो मैं आपको इस वीडियो में बोल दूँगा। ठीक न्यूज आ रही है हमारे पोको की तरफ से, और वो भी बहुत अच्छी खबर है। और वो खबर है हमारे पोको XT, जो मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में। तो पोको XT में जो हमारे चाइना में लॉन्च होगी, वही हमारे इंडिया में MI Note 10 बोल के आ सकती है। ये होगा हमारा 5G वेरियंट, और इसमें आ सकता है हमारे MediaTek की Dimensity 1000 या 800 प्रोसेसर। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि चाइना में ये 4G वेरियंट गया है और हमारे इधर 5G वेरियंट आएगा। लीक से ये पता चल रहा है कि ये 820G प्रोसेसर में भी आ सकता है, जो कि हमारे 5G है, और वो भी 8GB वेरियंट आ रहा है उसके साथ। तो देखते हैं ये 120,000 के अंदर आने वाला है, ऐसे लीक से पता चल रहा है इंडिया में। अगली टेक न्यूज़ में जा रहे हैं हम। हमारे रेडमी का रेडमी बैंड आने वाला है, और वो लॉन्च हो गया है हमारे इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर, और इंडिया में भी आने के कगार में है। तो आपको वो अगले महीने में मिल सकता है। उसकी प्राइस भी लीक हो गई है, जो आपको 1599 या 1600 में पहुँच जाएगी। जो 20 सीरीज जो हो रही है उसमें तीन मोबाइल आने वाली है, जो हमारे ना जो 20 ही है लेकिन उसका नाम वेरियंट अलग होगा। तो 20 है जो होगा वो हमारा 3G to 4G वेरियंट होगा, और हमारा 20 जो होगा ना जो 20 वो होगा आपको 4G to 6G वेरियंट, और उसका प्रो वर्जन भी आ रहा है ना जो 20 प्रो, जो आपको 6G to 8G वेरियंट रैम का रहेगा, क्योंकि रैम वेरिएंट के हिसाब से कोई भी ले सकता है। तो अगर ऐसे कर सके हर एक तो अच्छा रहेगा। और गाइस, अगली टेक न्यूज़ भी आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी C3, रियलमी C12 एंड रियलमी C15 का अपडेट आ गया है। तो आपको एक वीक के अंदर सारे फ़ोन में अपडेट मिल जाएगा, तो आप अभी जाके देख लो कि अपडेट मिल रहा है कि नहीं। चलते हैं अगले टेक न्यूज़ पे, और अगले टेक न्यूज़ आ रही है वीवो की तरफ से। वीवो के फ़ोन अभी लॉन्च उतना नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी वीवो ने और एक फ़ोन लॉन्च किया गया, जो कि हमारा है V20, जो हमारा बिल्कुल X50 की तरह दिख रहा है, स्लिप एंड अच्छी डिज़ाइन के साथ। इसका जो स्पेशल फीचर है वो है 44MP का फ्रंट में डुअल रियर कैमरा। तो जब लॉन्च होगा तभी हम इसकी वीडियो बनाएंगे। टेक्निक्स आ रही है हमारे सैमसंग की तरफ से, और हमारे सैमसंग M51 जो एक मॉन्स्टर बैटरी के साथ आ रहा है, उसका प्राइस भी लॉन्च हो गया है, जो हमारे 7000mAh की बैटरी के साथ आ रहा है, और उसका प्राइस है under 25K। उसके साथ आपको 25W फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी, जो आपको 2 घंटे में फुल चार्जिंग करके दे सकती है, और आप आराम से इसमें 2 से 3 दिन मोटर यूज कर सकते हो, और हैवी यूजर्स में 2 दिन तो आराम से चली जाएगी। ये टिकटॉक की तरफ से, और हमारे इंडिया से लाट खाने के बाद हमारे यूएस भी लाट मारने के कदर में है, और हमारे यूएस में भी 4 से 5 दिन के अंदर हमारे टिकटॉक बैन हो जाएगा। हमारे रियलमी C3, C12, C11, C15 के बाद हमारे रियलमी C17 भी आने वाला है। तो ये कितने सी निकाले गए वो तो पता नहीं। C17 का जो हमारा प्रोसेसर है वो प्रोसेसर है हमारा स्नैपड्रैगन 60, जो आपको 6GB रैम वेरियंट के साथ आएगा। तो मुझे लगता है कि ये पोको M2 को कॉम्पिटिटर करने के लिए ही आ रहा है। बहुत अच्छी बात है कि हमारे रियलमी पोको एंड हमारे MI के रेडमी जो फ़ोन है वो सब लड़ाई कर रहे हैं, और उसमें हम लोगों का ही फायदा हो रहा है, क्योंकि हमको अच्छा फीचर मिल रहा है कम प्राइस में।